नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कमरतोड़ महंगाई और पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस बड़ा मोर्चा खोलने जा रही है। पार्टी जुलाई में लगातार 10 दिन तक देश भर में इन दोनों मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरेगी। ये फैसला 24 जून को ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में लिया गया। बैठक में AICC के सभी महासचिव शामिल हुए। बैठक में काफी वक्त से लटके मसलों जैसे कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी के आंतरिक चुनाव पर चर्चा हुई या नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि महंगाई, ईंधन की बड़ी कीमतों के अलावा दालों, खाद्य तेलों की कीमत भी आसमान छू रही है और 2 मई 2021 के बाद से अब तक मोदी सरकार ने 29 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। पार्टी ने कहा कि देश के 150 शहर ऐसे हैं जहां पेट्रोल 100 रुपए से ज़्यादा कीमत पर बिक रहा है। बीजेपी ने उन्नाव सामूहिक दुष्कर्म मामले में अभियुक्त अरुण सिंह को जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार बनाया तो सोशल मीडिया से लेकर आमजन में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। दुष्कर्म मामले की पीड़िता ने खुद एक वीडियो जारी कर बीजेपी से अपील की थी कि पार्टी को अरुण सिंह का टिकट वापस ले लेना चाहिए। बैकफुट पर आई पार्टी ने तुरंत अरुण सिंह का टिकट काटकर दूसरे बीजेपी नेता शकुनी सिंह को दे दिया। बता दें, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने अरुण सिंह को टिकट यूं ही दे दिया था। उसने सोच समझकर ही जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे आला पद के लिए उसे उम्मीदवार बनाया था। ये तो दुष्कर्म पीड़िता के वीडियो के बाद मीडिया में से लेकर हो हल्ला मचा तो पार्टी को मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ केंद्र की बैठक में कश्मीरी हिंदुओं और सिख समुदाय को शामिल ना करने को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी पीएम मोदी से नाराज हुए हैं। स्वामी ने ट्वीट कर कहा है कि कश्मीरी हिंदू और सिख समुदाय जिन्हें मारा गया, जिनके साथ दुष्कर्म हुआ, जिनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया और आखिरकार जिन्हें कश्मीर छोड़ने पर मजबूर किया गया, उनके प्रतिनिधियों को कश्मीर पर हुई मीटिंग से अलग रखकर पीएम ने गलत किया। बता दें, पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि वो कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उससे पहले परिसीमन किया जाना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज कथित धनशोधन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर स्थित आवास पर छापेमारी की है। ये मामला इस साल मार्च में अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष भी एक याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि देशमुख ने पूर्व सहायक निरीक्षक सचिन वाजे को 1 महीने में लगभग 100 करोड़ रुपए उघाने के लिए कहा था और इसमें से अधिकांश पैसा बार और रेस्तरां को निशाना बनाकर आया था। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच काफी तीखी नोकझोंक हुई थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला है कि दिल्ली सरकार ने आवश्यकता से 4 गुना अधिक ऑक्सीजन मांगी थी। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली को उस वक्त करीब 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने मांग बढ़ाकर 1200 मीट्रिक टन कर दी थी। बता दें, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान रिपोर्ट्स आ रही थी कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की जान जा रही है। इस बीच केजरीवाल सरकार ने केंद्र पर आरोप लगाया था कि वो उसको जरूरत से काफी कम ऑक्सीजन दे रहा है, जिसके बाद हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केंद्र ने दिल्ली के ऑक्सीजन के कोटे में बढ़ोतरी की थी। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ TMC राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करने की योजना बना रही है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी धनखड़ को हटाने की मांग करने की योजना बना रही है और इसको लेकर मुख्यमंत्री बनर्जी ने विधानसभा अध्यक्ष बिमन बनर्जी से भी चर्चा की है। राज्य विधानसभा का सत्र 2 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। बता दें, इससे पहले मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संसदीय मामलों और विधानसभा के कामकाज में राज्यपाल धनखड़ के अत्यधिक हस्तक्षेप की शिकायत भी की थी। यूपी में बीजेपी के सहयोगी अपना दल प्रमुख अनुप्रिया पटेल के भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के कुछ दिनों बाद अब राज्य भाजपा ने कहा है कि वो आगामी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में 2 सीटों यानी जौनपुर और सोनभद्र पर अपना दल को समर्थन करेगी। यूपी बीजेपी प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह ने TOI को बताया कि पार्टी सहयोगी दलों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें, इससे पहले अप्रैल में हुए पंचायत चुनाव में दोनों दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों को लड़ाया था। मालूम हो कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने सहयोगी दलों को मनाने में जुटी हुई है।
भारत में पिछले एक दिन में 51,667 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 1,329 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल मृतकों की संख्या 393,310 हो गई है और कुल सक्रिय मामले 612,868 हो चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।